झारखंड के लातेहार में नक्सलियों पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने जंगल में भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार 8000 जिंदा कारतूस, एक पिस्टल, 30 हैंड ग्रेनेड, 8 वॉकी टॉकी समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि TSPC के नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। लातेहार SP ने एक टीम गठित की, इसमें CRPF के जवान भी शामिल थे। पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के सीरम जंगल में सर्च अभियान चलाया और इस दौरान भारी मात्रा में हथियार देख पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने इस दौरान 8000 से ज्यादा जिंदा कारतूस, 40 mm की 30 HE ग्रेनेड, 2 राउटर और 8 वॉकी टॉकी के साथ कई और हथियार भी बरामद किए। आपको बता दें, जिंदा कारतूस में AK-47 से लेकर SLR तक के गोलियां बरामद की गई हैं। लेकिन पुलिस के होश 40 mm के 30 HE ग्रेनेड ने उड़ा दिए। ऐसे ग्रेनेड झारखंड पुलिस तक इस्तेमाल नहीं करती है, यहाँ तक कि पैरामिलिट्री फोर्स भी इसका प्रयोग नहीं करती है। इसका प्रयोग भारत में सिर्फ सेना द्वारा किया जाता है। विदेशों में कई आतंकी संगठन इस तरीके के ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत में सेना को छोड़ सुरक्षा बलों तक को इस तरीके के आधुनिक ग्रेनेड उपलब्ध अब तक नहीं कराए गए हैं। मामले के सामने आने के बाद NIA भी हरकत में आ गई है कि इतने आधुनिक हथियार नक्सलियों के पास कैसे पहुंच गए, और इसको लेकर SIT भी गठित कर दी गई है। मामले को लेकर SP ने कहा, ग्रेनेड TSPC उग्रवादियों तक कैसे और कहां से पहुंचे, इसकी जांच SIT की टीम कर रही है। लातेहार के SP अंजनी अंजन ने आगे बताया कि पिछले 24 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा के बालूमाथ प्रखंड अध्यक्ष को TSPC के नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद लगातार पुलिस नक्सलियों के विरुद्ध छापेमारी कर रही थी और कई नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और इसी आधार पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया था और हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया। झारखंड के नक्सली संगठनों के पास इतने आधुनिक हथियार कैसे पहुंचे, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन ये मामला काफी गंभीर है।